नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। भारतीय संस्कृति में वृक्षों, पत्तियों, बूटियों तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को यदि महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तो इसकी वजह यही है कि एक तो इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है, दूसरे ये किसी भी रोग को सिर्फ कुछ ही समय के लिए ही दुरुस्त नहीं करती बल्कि रोग की जड़ को उखाड़ती है। घरेलू उपचार के लिए वर्षों से जानी पहचानी एक ऐसी ही वनस्पति है तुलसी। इसका नाम भी इसकी अति उपयोगिता को प्रमाणित करता है। यह भी कहा जाए कि तुलसी एक रूप अनेक तो गलत नहीं होगी। प्रत्येक हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा होना घर की शोभा, संस्कार, धार्मिकता एवं पवित्रता का प्रतीक है। वही यह समृद्धि एवं स्वास्थ्य भी बढ़ाती है। यूं तो आयुर्वेद में दवा के रूप में तुलसी कई रोगों को भगाती है, परंतु इस वीडियो में हम इसके कुछ विशेष तथा रोजमर्रा के काम में आने वाले उपयोग बता रहे हैं। स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी करनी हो तो सुबह खाली पेट ही तुलसी पत्तियों का रस पानी के साथ सेवन करें। कोई अचानक बेहोश हो गया हो तो तुलसी रस में सामान्य नमक मिलाएं तथा रोगी की नाक में डालें, शीघ्र लाभ होता है। दुबले पतले तथा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहने वालों के लिए यह खास लाभकारी है। ऐसे लोगों को रोज इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप चाय, तंबाकू या शराब की लत से मुक्ति चाहते हैं तो तुलसी काढ़े का उपयोग जरूर करें। साथ में काली मिर्च भी चबाना इस लत से छुटकारा दिलाती है। वजन बढ़ाना ही नहीं घटाना भी तुलसी की विशेषता है। इससे शरीर सुडौल व स्वस्थ रहता है। तुलसी चेहरे की कांति के लिए भी रामबाण है। इसके सूखी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर पाउडर की भांति लगाने से चेहरा चमकने लगता है तथा दाग भी मिटते हैं। किसी ने धतूरा, कुचला या अफीम का जहर खा लिया हो तो तुलसी की पत्तियों को पीसकर गाय घी में मिलाकर खिलाएं। एक बार में फायदा न हो तो घी व तुलसी का सेवन कराते रहें या तुलसी का रस निरंतर पिलाते रहें। किसी भी प्रकार के बुखार को दूर करना भी तुलसी की खासियत है। तुलसी पत्ती का रस, नीम पत्ती का रस एवं नींबू का रस समान मात्रा में लेकर पीने से पक्का लाभ होता है। ठंड से आने वाले बुखार में तुलसी पत्ती, पुदीना व अदरक 5-5 ग्राम मिलाकर काढ़ा बनाओ तथा पिलाओ, शीघ्र लाभ मिलता है। बच्चों को श्वास रोग हो तो 3-5 ग्राम तुलसी का रस देना लाभकारी होता है। पैरों में लकवा हो तो तुलसी बीजों को पीसकर इसका लेप करना फायदेकारी होता है। तुलसी की जड़ व सौंठ का चूर्ण गर्म पानी में लगातार लेते रहने से चर्म रोग भी दूर होते हैं। उल्टी बन न हो रही हो तो तुलसी एवं अदरक का रस ले, निश्चित प्रभाव होता है। कहीं जख्म बन गया हो और जहर फैल रहा हो तो तुलसी की पत्तियों का महीन चूर्ण बनाकर छिड़के, कीड़े भी मरते हैं तथा जख्म भर जाता है। खाना खाने से चिढ़ होती हो तो तुलसी बीज का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से यह अरुचि दूर हो जाती है। शहद के साथ तुलसी के पत्ते को खाने से पुरानी खांसी भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते को एक गिलास दूध में मिलाकर सुबह शाम पीने से माइग्रेन की समस्या में आराम मिलता है। अगर किसी इंसान को पथरी की समस्या हो गई है तो इससे बचाव के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास तुलसी वाला दूध पीना चाहिए। ऐसा करने से पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। आज के इस वीडियो में आपने तुलसी के औषधीय फायदों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य से संबंधित जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।